इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने मोहम्मद शाहेबुल रहमान शाहबुल या शाहेबुल रहमान ये न्यू दिल्ली से हैं। मालूम करते हैं कि एक्टिंग करना कैसा है। अब इसका जवाब ये है कि एक्टिंग जो करी जा रही है वो किस नियत से और किस मामले में की जा रही है। अगर तो ये बतौर एक्टर जो है फिल्म या किसी सीरियल के अंदर एक्टिंग की जा रही है जिसका कोई यानी फ़ायदे का मामला भी नहीं है सीरियल फिल्म का, और उसका असल मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही है, जैसा कि आजकल हमारे उर्फ़ में जो सीरियल ये नाटक या एक्टिंग वगैरह चलती है, तो ये काम करना ये नाजायज़ और गुनाह है। इसके अंदर दूसरी ख़राबियाँ ये भी होती हैं कि यहाँ पर जो है वो गाने वगैरह फिल्मों के अंदर होते हैं तो एक्टिंग के अंदर उसमें परफॉर्मेंस होता है। दूसरा ये कि नाच वगैरह भी होता है और भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं जिससे आप सब वाकिफ़ हैं कि फ़िल्म में एक्टिंग करने में क्या क्या पेश आती हैं। अब रहा है ये एक्टिंग ऐसी ही करना कि किसी इस्लाही प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ लोगों को समझाने के लिए कोई एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है और उसका मामला यानी वो परफॉर्म करने वाला कोई प्रोफेशनल बतौर एक्टर नहीं है, बल्कि लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बनाई गई है या किसी फैमिली का ऐसा कुछ मामला बनाया गया है लोगों की इस्लाह के लिए, या उनको समझाया गया है कि समाज में ऐसा ऐसा होता है, ऐसे सोशल मुद्दों पर अगर कोई एक्टिंग किसी ने की है तो उसके अंदर गुंजाइश जो है वो निकल सकती है। और वो गुंजाइश ऐसी सूरत में होगी कि उसके अंदर कोई बेपर्दा खातून ना हो, किसी किस्म का म्यूज़िक ना हो, या दूसरी उसके अंदर कोई ऐसी नाजायज़ आमेजिश या ऐसा कोई मैसेज ना जाता हो कि जिससे लोगों के अंदर यानी जो शरीयत जिसको मना करती है, जैसे कि मैंने बताया नाचने गाने का ताल्लुक उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी सीधी परफॉर्मेंस की गई है, कोई ऐसी एक्ट कोई ऐसा किया गया है कि जिससे लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है, समाज में हो रहे मामलात को उसके अंदर बयान किया गया है और उससे बचने के तरीके या फिर उसमें इस्लाह का कोई पहलू बयान किया गया है, तो फिर उसके अंदर वो एक्टिंग की जा सकती है। उसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसमें गुंजाइश एक्टिंग में निकल सकती है जिसका मकसद जो है वो सीधा हो और वाजे हो। और अगर वो फिल्मों की अगर आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं कि जो फिल्में वगैरह बनती हैं, तो वो नाजायज़ और गुनाह है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार